कोविड 19 हिंदुस्तान में पहली वेव से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम लोगों को कोविड 19 की सेकेंड वेव से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखी। और आप देख सकते हैं कि कोविड 19 जो सेकेंड वेव आई उसमें कैजुअलिटीज़ और इतने सारे मतलब ड्रॉबैक्स और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। और उसके बावजूद जब केस कम होते गए और कंट्री में पूरा अनलॉक का प्रोसेस शुरू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में भी उसी हिसाब से अनलॉक का प्रोसेस शुरू किया गया। तमाम तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पे हैं ये कल की हैं और कल का जो मार्केट में रश था और उसके बावजूद जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे वो आप देख सकते हैं तस्वीरों पे। पूरी जो कोविड 19 सेकेंड वेव की कैजुअलिटीज़ हुई, जो लोगों की मौतें हुई कोविड 19 में, और जो शमशान में लाइनें लगी थी वेटिंग में या फिर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हम लोग उन चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखे। यानी कि हम लोगों को उन चीज़ों कोई डर नहीं रहा, कोई भी हिचकिचाहट नहीं रही जो हम लोगों ने कोविड 19 के सेकेंड वेव में देखी। मास्क पहना हुआ है वो भी अधूरा मास्क है, और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का मजाक बन रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अलावा जितनी कंट्रीज हैं वो पूरी वैक्सीनेटेड हैं और वहाँ पे अनलॉक पूरी तरह से प्रोसेस स्टार्ट किया गया, और कई जगहों पे जो है कंट्री में आपको बिना मास्क के भी आप घूम सकते हो क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ जो है वो वैक्सीनेटेड हैं। हिंदुस्तान अभी लगभग 5% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो है वो वैक्सीनेटेड है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया। एम्स के जो चीफ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि कोविड 19 की थर्ड वेव हिंदुस्तान में अगले 6 से 8 हफ्ते में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है अगर हमारा इसी तरह अनलॉक में घूमना फिरना हुआ और SOPs गाइडलाइंस जितनी हम वायलेट कर रहे हैं, अगर ह्यूमन बिहेवियर इस तरह रहा, जो थर्ड वेव है वो हिंदुस्तान में 2 गुना ज़्यादा नुकसान कर सकती है। एक सर्वे हुई मुंबई में, जो कोविड 19 की पहली वेव थी उसमें मुंबई में लगभग 3 लाख केस आए, और सेकेंड वेव अब आने वाले टाइम में ये बताया जा रहा है एक सर्वे के द्वारा कि कोविड 19 की थर्ड वेव से जो है लोग लगभग 8 लाख अफेक्टेड होंगे, और उसमें जो है बच्चे और यंगस्टर ज़्यादा होंगे अफेक्टेड क्योंकि उन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। हमारे हिंदुस्तान में बिलो 18 ईयर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है और ना ही उस पर अभी ट्रायल ही चल रही हैं। कोई भी उस पर सरकार की तरफ से ओके नहीं मिला है कि ताकि अब हम लोग बिलो 18 भी वैक्सीनेट कर पाएँ। और जो कोविड 19 की थर्ड वेव है उससे अब यंगस्टर यानी कि बिलो 18 ईयर हैं उनको भी बहुत ख़तरा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज की लॉकडाउन की है क्योंकि जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, और जम्मू की वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं। क्या आपको लगता है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं या फिर जिस तरह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या हम लोग उससे नहीं सीख पाए कि जब लोग हॉस्टल के बाहर ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे या लोग हॉस्टल के बाहर बेड्स की भीख मांग रहे थे हमें बेड अवेलेबल किया जाए, या हमें कितनी कॉल्स आ रही थी कि हमें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, हमें ICU में बेड नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ करवा के हमें बेड दीजिए। और वो कहर जो मचा कोविड 19 के सेकेंड वेव में और शमशान के बाहर जो लाइनें लगी वेटिंग्स में, जम्मू कश्मीर से लेके हिंदुस्तान की राजधानी तक कोविड 19 के सेकेंड वेव ने कितना कहर मचाया, कितने हम लोग डरे हुए थे, और अप्रैल के एंड तक कितना सारा नुकसान हुआ, हम लोग उस चीज़ से कुछ नहीं सीख पाए क्योंकि जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे हैं वो साफ साफ यही दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता या फिर हिंदुस्तान के लोग बोले हम लोग कोविड 19 की सेकेंड वेव से भी हम लोग कुछ नहीं सीखे, और कोविड 19 की सेकेंड वेव से हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोगों ने अपने खोए और बहुत सारी जानें गईं जिसमें बहुत जवान लोग थे, और यानी कि 40s और 50s 20s वाले लोग भी जो है वो उनने भी जान कोविड 19 की वजह से खोई, और अब तक भी हमने कोविड 19 से कुछ नहीं सीखा। तस्वीरें बार बार हम आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए कि अगर हम लोग कोविड 19 की सेकेंड वेव से या जो अनलॉक का प्रोसेस शुरू कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब फॉलो ना करें, यानी हम SOPs फॉलो ना करें, तो आने वाले टाइम में, ये मेरा कहना नहीं है, ये एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, और आपने सुना होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के चीफ हैं उनका कहना है कि अगर हिंदुस्तान में इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर रहा, कोविड 19 को अगर हमने इस तरह सीरियस नहीं लिया, SOP गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे, तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में कोविड 19 की जो सेकेंड वेव थी उससे 2 गुना ज़्यादा कोविड 19 की थर्ड वेव जो है नुकसान करेगी। डेट शीट और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट भी हमारे सामने है। अब आप तक फॉलो करना है कि आप उस एग्ज़ाम में फेल होते हैं या पास।